कहीं पर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को मार देता है, कहीं पर कोई इंसान जो है अपने किसी रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना यासर है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपनी वीडियोस के जरिए ज़हनी मसाइल के बारे में अवेयरनेस और उनके इलाज के बारे में गाइडेंस देती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले, और मेरी इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचे। ये डोमेस्टिक वायलेंस या ये अब्यूज वाला बिहेवियर जो है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें बात तो हम बहुत से हवालों से कर सकते हैं। आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगी कि अब्यूज का साइकिल क्या होता है, यानी अब्यूज जो होता है वो एक दिन एक ही वक्त पर एक दम से नहीं हो जाता, बल्कि उसका एक साइकिल होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हालात बनते हैं कि वो बिहेवियर नजर आना शुरू हो जाता है जो कि बहुत नुकसानदेह होता है, जिसको हम अब्यूजिव बिहेवियर कहते हैं, जो दूसरे के लिए तकलीफदेह होता है। अब्यूज के साइकिल में सबसे पहला फेज जो होता है वो उसको कहते हैं हनीमून पीरियड, जिसको हम नॉर्मल हालात या अच्छे हालात कहते हैं। उसमें जो अब्यूज़ करने वाला है और जो जुल्म बर्दाश्त करने वाला है, जिनको हम जालिम और मजलूम कहेंगे, जो जालिम है उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ रवैये होते हैं, इसी तरह से जो मजलूम होता है उसके भी कुछ रवैये होते हैं। जालिम और मजलूम जो हैं, ये हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, ये सास और बहू भी हो सकते हैं, ये माँ बाप और बच्चे भी हो सकते हैं, ये कोई भी दो लोग हो सकते हैं जिनमें से एक डोमिनेट कर रहा है और एक जो है वो बर्दाश्त कर रहा है दूसरे को। हनीमून पीरियड में जब कोई मामला होता है, कोई मसला होता है, तो जो जालिम है उसका रवैया होता है कि वो फौरन माफ़ी मांग लेगा, फौरन सॉरी कर देगा, या उसको कहेगा कि अच्छा देखो उसकी वजह से मैंने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ये किया था जिसकी वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया। इसी तरह कई दफ़ा वो रोना शुरू कर देते हैं, अपनी परेशानियों की वजह दूसरे लोगों को बताते हैं और आइंदा ना करने का वादा कर लेते हैं। इसके साथ साथ वो मजलूम को इस बात का एहसास दिलाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। ये सारे रवैये जो हैं, इनका असर मजलूम पर होता है और वो सोचता है कि हाँ वाकई मेरे साथ तो इसने बहुत अच्छा सलूक किया है, ये मेरा बहुत ख्याल रखता है। कभी कभी कोई मसला होता है तो कोई बात नहीं, मैं मान जाती हूँ। हर दफ़ा मामला होने के बाद वो पुरउम्मीद हो जाता है, अलग होने का नहीं सोचता, ना ही ऐसा सोचता है कि दूसरे लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और ना ही ये सोचता है कि कोई लीगल एक्शन लिया जाए। ऐसी सूरत हाल में मजलूम जो है वो खुश रहने के मौके तलाश करता है, सोचता है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जिन पे मुझे खुश होना चाहिए। दूसरा फेज़ होता है टेंशन बिल्डिंग फेज़, इसमें हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जालिम इस फेज़ में चीखता है, गुस्सा करता है, बात बात पर टोकता है, तंज करता है, मजाक उड़ाता है, दूसरे को शर्मिंदा करने की कोशिश करता है, उसको अपने एहसानात गिनवाता है, हर वक्त मूड ख़राब रखता है, धमकी देता है, कभी बच्चों को ले जाने की धमकी देगा, कभी उसको छोड़ देने की धमकी देगा, तोड़ फोड़ करता है और कई दफ़ा वो उसका ख्याल रखना भी छोड़ देता है। ऐसी सूरत हाल में मजलूम जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है और वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा रोता है, अपनी तकलीफ़ का इजहार करता है, मामलात को हल करने के लिए कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, उस शख्स का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है और मसाइल का कोई ना कोई जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, शायद कि ये वजह होगी, शायद कि वो वजह होगी। आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी ज़िंदगी मुश्किल लगना शुरू हो जाती है और वो हो सकता है कि डिप्रेशन में चला जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लो मूड रहना शुरू हो जाता है, लोगों से मिलने को दिल नहीं करता, अपने आप में अपनी सोचों में गुम रहता है। आखिरी फेज़ होता है एक्सप्लोजन फेज़, यानी ऐसा फेज़ जिसमें बहुत से वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। इस फेज़ में जो जालिम है वो मजलूम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे मारता है, उसे तकलीफ़ देता है, उसके साथ ज़हनी तशद्दुद करता है, यानी उसको इमोशनली एक्सप्लॉइट करेगा, उसको बुरा भला कहेगा, लोगों के सामने बुरा भला कहेगा, इसी तरह से उसको जिस्मानी तौर पे और सेक्सुअली भी अब्यूज़ करेगा, अपने साथी को धक्का देगा, उसको चीज़ें मारेगा, चीज़ें तोड़ देगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो गला भी दबाने की कोशिश कर सकता है। इसी तरह से कई दफ़ा वो छुरी या कैंची या कोई भी ऐसी चीज़ से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में मजलूम बहुत परेशान होता है, वो लड़ता है, वो भी आगे से कोशिश करता है कि मैं अपने आप को भी बचाऊं और मामलात जो हैं अगर नहीं हल हो रहे तो दूसरे को एहसास दिलाऊं कि वो मेरे साथ कितना गलत कर रहा है। कई दफ़ा वो फिर भी साथी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर वो घर छोड़ के चला जाता है, नाराज़ हो जाता है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करता है, लीगल एक्शन लेने की कोशिश करता है। ये वो वक्त होता है जब मजलूम अपने मसाइल को हल करने के लिए उससे अलहदा होने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसे वक्त पर अगर मजलूम अलग ना हो तो वो बहुत नुकसान उठा सकता है, यानी इस वक्त पर अगर मजलूम फिर जालिम के साथ ही मौजूद है तो वो जालिम जो है उसको मार भी सकता है, उसके साथ कोई भी हरकत कर सकता है। तो आज मैंने आपको बताया है कि ये तीन फेजेज़ हैं जिनसे गुजर कर कोई भी मामला उस हद तक पहुँचता है कि एक शख्स दूसरे को मारने लगे, तकलीफ़ पहुँचाने लगे या लीगल कामों की तरफ जाना पड़ जाए।
तो जब आप ये समझें कि आप पहले फेज़ पर हैं तो आपने उस फेज़ पे ही कोशिश करनी है, इसलिए कि वही फेज़ होता है जिसमें आप खुद से कोशिश कर सकते हैं। आपकी कोशिश जो है वो आपके अपनी ज़ात के हवाले से भी होगी और अपने साथी के हवाले से भी होगी। उसके लिए आप थेरेपी सेशंस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप सेकेंड स्टेज पर आ गए हैं तो उस वक्त पर आपको फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए ताकि वो आपको सपोर्ट करें और आपको एक बेहतर रास्ता दिखाएं, सॉल्यूशन निकालें आपके मसाइल का। और अगर थर्ड स्टेज आ चुकी है तो फिर आप वक्त बिल्कुल ज़ाया ना करें और फौरन उस घर से चले जाएं और अपने आप को बचाने की कोशिश करें, कहीं बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के मसाइल का शिकार हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका हल किस तरह से निकलेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।